नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बड़ा दावा, आफताब से अलग होना चाहती थी श्रद्धा, फैसले से बौखलाए आफताब ने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के बाथरूम किचन के अलावा बेडरूम से भी मिले खून के धब्बों के निशान, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जंगल से श्रद्धा के जबड़ा समेत 13 हड्डियां बरामद। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट पूरा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जल्द पुलिस को रिपोर्ट सौंपने का दावा किया, बोले नार्को टेस्ट के लिए भी तैयारी पूरी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का 1 दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली पुलिस को कोर्ट से अनुमति मिली। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की जेल वैन पर हमले की कोशिश, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराकर लौट रहे आफताब को बचाकर जेल तक पहुंचाया। दिल्ली में आफताब पर हमले को नाकाम करने वाले पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया, सब इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए दिए गए, 2 हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी हत्याकांड में नया वीडियो सामने आया, वीडियो में आरोपी कथित तौर पर मृतक के शरीर के अंगों को फेंक रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत विरोधी एजेंडा फैलाने की कोशिश, इसराइल के फिल्म निर्माता ने द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। फिल्म निर्माता नदाव लेविट के बयान पर इसराइल के राजदूत ने भारत से माफी मांगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसराइल के राजदूत के बयान का समर्थन किया। फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर ने भी नदाव लेविट के बयान की कड़ी निंदा की, कहा सक्रिय हुआ टूलकिट गैंग। दिल्ली के छतरपुर में बेटी बचाओ महापंचायत कार्यक्रम के दौरान हंगामा, एक महिला ने स्टेज पर मौजूद शख्स की चप्पलों से पिटाई की, महिला ने शख्स पर लगाया बेटी को भगाकर शादी करने का आरोप। पटना के गांधी मैदान में पुलिस पर पथराव, जवाब में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पासी समाज के लोगों ने निकाला था मार्च, जिसके बाद हुआ हंगामा। हैदराबाद में सीएम के चंद्रशेखर राव के खिलाफ वाईएसआरटीपी का प्रदर्शन, सड़क पर कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्कामुक्की, पुलिस वाईएसआरटीपी प्रमुख शर्मिला रेड्डी की कार को क्रेन की मदद से खींचती नजर आई। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई से मिली जानकारी के आधार पर रेड। पंजाब के जालंधर में गोली लगने से लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की मौत, सोनू रुड़का के लॉरेंस के साथ जुड़े थे तार, सोनू रुड़का के साथ लॉरेंस की कई तस्वीर सामने आ चुकी है। यूपी के मिर्जापुर में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे और बहू की करोड़ों की जमीन कुर्क, एसआईटी ने की कार्रवाई, कुर्की से पहले अधिकारियों ने मुनादी करवाई, जेल में है विजय मिश्रा। यूपी के बहराइच में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 2 लोग जख्मी हुए, पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के देवास में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के मऊ में जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, महिलाएं भी लाठी से हमला करती नजर आई, मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के रीवा में छात्र के साथ मारपीट, बदमाशों ने छात्र को पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां कुछ लड़कियों ने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी, वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया, अमृतसर बॉर्डर पर इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली 2 महिला जवान हैं, ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिश नाकाम। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ ने सीमा से पार हुई साजिश को नाकाम किया, बीएसएफ ने एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन से को मार गिराया। बिहार के समस्तीपुर कपड़ा और ज्वेलरी की दुकान पर अपराधियों ने की फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स जख्मी, वहां मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ा। राजस्थान के कोटा में नारकोटिक विभाग की कार्रवाई, 50 लाख रुपए का डोडा चूरा बरामद, कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर फायरिंग, आरोपी फरार। दिल्ली एम्स के सर्वर हैक मामले में सुरक्षा एजेंसियों की विदेशी साजिश का शक, एफआईआर में आतंकवाद की भी धाराएं, 1 हफ्ते से जारी है ऑफलाइन कामकाज। असम के कामरूप में अवैध ईंट भट्टों पर प्रशासन की कार्रवाई, ईंट भट्टों को नष्ट किया गया। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, पुलिस की टीम ने छापेमारी में 20 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की, पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के सिवान में बच्चे की बहादुरी, मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे आरोपियों को पकड़ा, जिसके बाद लोगों ने आरोपी के साथ मारपीट की। यूपी के मुरादाबाद में एक लड़की की हत्या कर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में हत्या का आरोपी और उसका साथी जख्मी, एनकाउंटर के दौरान सब इंस्पेक्टर भी जख्मी।
महाराष्ट्र के जालना से आई हैरान कर देने वाली खबर। एक 13 साल की लड़की ने 5 साल की छोटी बहन की चाकू से वार करके हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में स्टंट करते लड़कों का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। पुलिस ने 5 लोगों को धर दबोचा। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। हरियाणा के पंचकूला में मोटरसाइकिल और गाड़ी में जबरदस्त टक्कर। मोटरसाइकिल में सवार 2 की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग लगने से अफरा तफरी। बिजली ऑफिस में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। झारखंड के बोकारो में बीच सड़क पर एक कार में लगी भीषण आग। आग के लपटों में कार जलकर राख। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप पारा शून्य के नजदीक पहुंचा। ठंड से घरों में रहने को लोग मजबूर हुए। कश्मीर में भी होगी G20 की बैठक। पहली बार मेजबान करेगा 50 से ज्यादा शहरों में G20 की बैठकें। 1 दिसंबर से भारत की अध्यक्षता की जोरदार शुरुआत की तैयारी। यूपी के आगरा में समन्वय 2022 अभ्यास का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS, वायुसेना प्रमुख समेत आसियान देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का हमला। कहा प्रधानमंत्री को गाली देना कांग्रेस की पुरानी आदत, गुजरात की जनता देगी जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा प्रधानमंत्री पर विवादास्पद बयान देकर कांग्रेस अध्यक्ष ने किया देश का अपमान। दिल्ली MCD चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया शुरू डोर टू डोर कैंपेन। चिराग दिल्ली में चौपाल के जरिए लोगों से किया संवाद। बोले सभी को अयोध्या मंदिर के दर्शन करवा कर लाऊंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली MCD चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। कहा आम आदमी पार्टी 230 से ज्यादा सीटों पर चुनाव में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद को साकेत कोर्ट से नहीं मिली राहत। मोहम्मद आसिफ पर पुलिस के साथ बदसलूकी और धमकाने का आरोप। 2 महीने तक रूठने मनाने के सिलसिले के बाद पटना के RJD के दफ्तर पहुंचे जगदानंद सिंह। डिप्टी CM तेजस्वी यादव की गाड़ी में आए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन। TMC विधायक सावित्री मित्रा का किया विरोध। स्पीकर के ना मानने पर सदन से किया वॉकआउट। एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर प्रक्रिया शुरू। 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया का होगा मर्जर। टाटा ग्रुप ने इसका ऐलान किया। कोविड नीति के विरोध में चीन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी। संयुक्त राष्ट्र ने चीन से विरोध के अधिकार का सम्मान करने को कहा। चीन में एक दिन में 40,000 नए केस। शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग। अमेरिका के हवाई में दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में विस्फोट। घरों को छोड़ने की दी गई चेतावनी।